मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, यदुवंशी का नाम आपने सुना होगा, यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो यदुवंशी स्कूल मंडोला चरखी दादरी में जो है वहां आज पहुंचे हैं और यहां माहौल क्या है कि बसों की लाइनें लग गई हैं, भीड़ है, स्कॉलरशिप टेस्ट यहां बताया जा रहा है। तो पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यदुवंशी मंडोला की नई बिल्डिंग बन चुकी है, पिछले साल ही शुरू हुआ था और अब की बार आप देख सकते हैं कि भीड़ का इतना माहौल है कि बसों के द्वारा, मोटरसाइकिल गाड़ियों द्वारा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आप मेरे पीछे की देख सकते हैं, बसें आने लग रही हैं और ये मेन गेट है, इससे बच्चे अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके हम पता करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ बच्चों को रिबेट इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में दिया जाएगा और क्या आगे का इनका प्रोसेस रहेगा। वीडियो आप देख सकते हैं, पीछे नया स्कूल बना है यदुवंशी मंडोला चरखी दादरी का और बसों की, बच्चों की लाइनें लगी हुई है। तो चलते हैं अंदर, बातचीत करते हैं। स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और पीछे की भीड़ आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ का माहौल, सभी जितनी भी बिल्डिंग यहां पे है पूरी बिल्डिंग बच्चों से भरी हुई है और नीचे खुले मैदान में बच्चों को बैठाया गया है क्योंकि बिल्डिंग फुल हो चुकी है। सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं पृथ्वीराज जी, उनसे मैं आपकी बातचीत करवाऊँगा कि किस प्रकार से क्या कुछ है। तो मिलते हैं प्रिंसिपल साहब से। हैं नमस्कार सर। सर नमस्कार। प्रदीप जी, यदुवंशी मंडोला में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया हूँ। सर बच्चे स्कूल में इतनी संख्या में पहुँचे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, पहले तो वो बताएं। ये यदुवंशी शिक्षा निकेतन का दूसरा सत्र है और यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर के दिशा निर्देश पे आज 27 मार्च को हमने अपने विद्यालय में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया। भीड़ आपके सामने है, जिस प्रकार से क्षेत्र के व्यक्ति अच्छी एजुकेशन लेने की चाह में एक अच्छा विद्यालय तलाश कर रहे थे, जो उनकी तलाश पूरी हो गई है और हम पेरेंट्स के सभी अभिभावकों की जो आशाएँ हैं उसके मुताबिक हम मेहनत करवाएँगे। तो जिस प्रकार से बच्चे आज पहुँचे हैं तो किस प्रकार से बच्चों को टेस्ट रखा गया है, क्या रिबेट इन्हें मिलेगा, किस प्रकार से क्या कुछ पूरा प्रोसेस है? आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके माध्यम से हम क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप देंगे और जो भी बच्चे हमारे होनहार हैं, कॉम्पिटिशन्स की कक्षाएँ लगाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चेयरमैन साहब 100% तक उनकी फ़ीस रिबेट करेंगे। सर मतलब पूरी फीस माफ़? जी जी बिल्कुल, पूरी फीस माफ़ कंप्लीट। उसके बाद किस प्रकार से, जैसे बच्चे आज आए हैं तो कोई बच्चा 70% मार्क्स भी लेगा, कोई 80% भी लेगा, कोई 90% भी लेगा, तो उन्हें किस प्रकार से रिबेट दिया जाएगा? उनको हम 10% से लेकर के 100% तक लेके जाएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस बच्चे को तराश के हम कॉम्पिटिशन टेस्ट में निकाल सकते हैं, उसी तरीके से स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे चेयरमैन साहब देंगे बच्चों। सर जिस प्रकार से दादरी मंडोला में स्कूल खोला गया था, दूसरा ही साल है, तो किस प्रकार से आपने पिछले साल का अनुभव थोड़ा सा बताएं ताकि लोग देख पाएं कि यदुवंशी की जो शाखा है वो दादरी में खुली और आज सातवें आसमान पे है। सत्र 2021-22 में यदुवंशी मंडोला हमने शुरू किया। हमारे ग्रुप के चेयरमैन साहब की एक अभिलाषा रही कि क्षेत्र के बच्चों को अच्छी एजुकेशन हम दें। दादरी के क्षेत्र में मैं जब आया तो हमने देखा कि यहाँ के सभी अभिभावक चाहते हैं कि एक ऐसा विद्यालय क्षेत्र में आए जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और बच्चे कंपटीशन फाइट करें। उसी के अनुरूप हमने इस विद्यालय की स्थापना की हमारे चेयरमैन साहब ने, और जिस प्रकार से आज ये हमने सेकंड स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, इसमें बच्चों ने आपके सामने, पेरेंट्स ने आपके सामने साबित कर दिया है कि क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी एजुकेशन की चाह रखते हैं। सर जिस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती है, बताया जाता है कि क्लास की एजुकेशन से बच्चे बड़े बड़े रैंक पे पहुंचते हैं और क्लास में ही कोचिंग करवाई जाती है स्पेशल। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके तहत हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं और उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स, अकेडमिक्स, कॉम्पिटिशन्स की क्लासेज बच्चों के कैलिबर को देखते हुए हम अलग अलग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे विद्यालय का टाइम बाकी जो है ना क्षेत्र के जो और विद्यालय हैं उनसे हमारा विद्यालय का टाइम भी ज़्यादा है और हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब की सोच रही है कि बच्चों को हम कैसे निखारें, उसी का प्रयास हम करते हैं। सर आज भीड़ इतनी संख्या में है कि बिल्डिंग भर गई और नीचे बच्चे बैठाने पड़ रहे हैं, सोचा था कि भाई धूप में बच्चे बैठाने पड़ेंगे। ये मैं तो एक बात कहूँगा प्रदीप सर कि कोई भी अभिभावक हो और ख़ास करके दादरी के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी वर्षों से उनकी इच्छा थी कि अच्छा स्कूल आए क्षेत्र में,
और आज इस भीड़ ने इस चीज़ को साबित कर दिया है, चाहे धूप हो, चाहे कमरे हैं उनमें पंखे हैं या नहीं हैं, इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन क्षेत्र के व्यक्ति अच्छी एजुकेशन चाहते हैं और उनकी चाह यदुवंशी मंदोला में आके पूरी होती है। इस प्रकार से बताया कि यदुवंशी मंदोला में आके आपके बच्चे की और आपकी चाह पूरी हो सकती है। भीड़ देख सकते हैं, ये वो भीड़ है जो आने वाले भविष्य में किसी न किसी बड़े रैंक पे पहुंचेगी यदुवंशी स्कूल की वजह से। तो आप भी अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, हरियाणा में तो हर ज़िले में ही यदुवंशी स्कूल है, पहुंच सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट हर स्कूल में किया जा रहा है और हर ज़िले में स्कूल खोला जा रहा है। जिस प्रकार से आपने भीड़ देखी है, आपने कहीं नहीं देखी होगी। स्कूल में अध्यापक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्कूल का माहौल है। प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो टीचर से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपके गगन कुमार बंसल नाम है। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ यहाँ पे। किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं सर पीजीटी प्लस एक्सपर्ट मीन्स एनडी की कोचिंग करवाते हैं। अच्छा, सही बात है कि कोचिंग भी करवाते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, कोचिंग करवाते हैं यहाँ पे। और हमारे पास कोचिंग की अलग अलग फैकल्टी है, बायो के अलग से हैं, मैथ्स के अलग से हैं, इस तरीके से सब अलग अलग। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग है और काफ़ी दूर दूर से हैं सर, दिल्ली से, कानपुर से, इस तरीके से। आज बाहर भीड़ लग रही है, बसों का जाम लग रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी, नीचे बच्चे बैठा रखे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर एक्चुअली आज यहाँ पे मंदोला ब्रांच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है और ये हमारे यदुवंशी के अंदर हर साल करवाया जाता है। इससे बेनिफिट ये है कि सर जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको चेयरमैन सर की तरफ से बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। जितना उसके परसेंटेज आते हैं उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है बच्चे की 80% फीस लेस हो जाए, हो सकता है 100% भी हो सकती है और 60% भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है बच्चे के मार्क्स पे। तो ये श्योर है कि भाई कुछ बच्चों को तो फ्री मिलेगी? 100% श्योर है सर, हमारे पास अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो 100% स्कॉलरशिप के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, टीचर्स भी बता रहे हैं भाई स्पेशल कोचिंग करवाते हैं और जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। यदुवंशी ग्रुप के डायरेक्टर साहब हमारे साथ बने हैं, 2 मिनट का समय मिला है उनसे बातचीत करने का। उनसे बातचीत करेंगे कि आज मंदोला में दूसरी ही साल है स्कूल को और इतनी ज़्यादा बच्चों की भीड़ यहाँ पहुँची है, बाहर भी जाम है और अंदर भी जाम है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी सर। जिस प्रकार से बाहर भी जाम लगा हुआ है बसों का और अंदर बच्चों का, बिल्डिंग भरी है, नीचे बच्चे बैठाने पड़े हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 16 के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अपना प्रणाम करता हूं और आपका भी यदुवंशी शिक्षा निकेतन मंदोला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कोविड-19 शुरू होने के बाद जो ही हमने स्कूल की शुरुआत की और उसी समय एकदम लॉकडाउन लग गया और लगभग स्कूल में 800 बच्चे दाखिला ले चुके थे। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए समय समय पर विद्यालय लगाया और एक इस प्रकार की स्टडी, कंपटीशन की तैयारी और बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हुए जिस तरह हम बच्चों को आगे ले गए तो लोगों ने जो विश्वास किया था, माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की और ये एक क्षेत्र दादरी जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यह एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं थी और जनता के आग्रह पर माननीय चेयरमैन साहब ने यहाँ यदुवंशी शिक्षा निकेतन मंदोला की शुरुआत की, कोविड से लड़ते हुए और बच्चों को सही मुखी विकास करते हुए ऊपर ले गए और लोगों की आशाओं के अनुरूप इस विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को हम आगे ले गए। उस विश्वास को देखते हुए और हम पर एक आगे विश्वास जताते हुए लोगों की यह भारी भीड़ स्कॉलरशिप के रूप में उमड़ी है। सर जिस प्रकार से मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की वो कह रहे कि यहाँ मंदोला स्कूल में भी सर 100% फीस माफ़ करके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। इस क्षेत्र में काफ़ी टैलेंट है, यहाँ से बच्चे महेंद्रगढ़ काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाते हैं, या यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ भी जाते हैं। जो IITN है, जो बच्चा इस साल का टॉपर रहा है मेन में, वो भी इस क्षेत्र से है, NDA में भी बच्चे निकले हैं, तो इस क्षेत्र में टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो आगे बढ़े और उनमें इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति खराब है वो बाधा ना हो, इसको देखते हुए स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया है और जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी 100% तक फीस माफ़ की जाएगी। सर जिस प्रकार से अपनी और ब्रांचेज हैं उनमें स्पेशल क्लासेज हैं बच्चों की, क्लास जो स्कूल की क्लासरूम है वहाँ से ही बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, क्या वो कोचिंग फैसिलिटी अब यहाँ भी शुरू हो चुकी है? निश्चित रूप से चेयरमैन साहब के दिमाग में एक बात रही है, एक टीश कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र जो हरियाणा का है उसको आगे ले जाया जाए, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट में भी करेंगे। नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो चुकी है, NTSC की तैयारी, NEET की, IIT की और साथ में NDA वगैरह की,
जितनी भी प्रिपरेशन है जो अन्य ब्रांचेज में है उसी प्रकार से यहाँ भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो जिस प्रकार से शिक्षा का हब बना दिया महेंद्रगढ़ जिले को भी, और 95 में एक पौधा शुरू किया था, आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है, तो क्या कहेंगे चेयरमैन साहब के लिए? चेयरमैन साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र है ये कभी इनका ऋण उतार नहीं सकता, और ये जो पिछड़ा क्षेत्र था इसमें न कोई इंडस्ट्री थी, न वर्षा होती थी, न नहरी पानी था, एकदम काला पानी कहा जाता था। इस क्षेत्र को एक विश्व पटल पर इन्होंने ला के रख दिया, और जो एजुकेशन की शुरुआत हुई उससे क्षेत्र आगे बढ़ा, और आज विश्व में नाम होते हुए महेंद्रगढ़ एक एजुकेशन हब बन गया है। तो हम सब इनका धन्यवाद करते हैं, और इनके हम ऋणी। जिस प्रकार से बताया है, हब बना दिया शिक्षा का महेंद्रगढ़ को, और बच्चे आज बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं यदुवंशी स्कूल के महेंद्रगढ़ जिले के, तो लगातार वो आयाम दादरी में भी यही स्कूल यदुवंशी हासिल करेगा। जो भी अपडेट होगी मैं लगातार आपको दिखाऊंगा, तब तक आप बने रहे इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।